कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए भाई। जो शो नंबर वन पे रहता है वो कंट्रोवर्सी उसकी लोग करते ही करते हैं, फिर चाहे उससे की स्टोरी को कितनी भी अच्छी कर रहे हो मेकर्स, गर्व होता है कि लगातार आपका शो नंबर वन पे है। ना जाने इस शो में कितने लोग आए और कितने चले गए, किसी ने शो के बारे में कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा। ज़्यादातर सबकी एक ही कंप्लेंट थी, स्टोरी को वहीं खींच रहे हैं, इसीलिए हमारे सीन जरा जरा से दिखाते हैं, फ्यूचर कुछ लग नहीं रहा था। लेकिन इस शो में जो है, जिसका नाम ही अनुपमा है, वो इस शो की कंटिन्यू हिस्सा बनी हुई है। इन दिनों जो है जनरेशन लीप आ गया है, उसके बावजूद भी शो नंबर वन पर है, टीआरपी गिरा नहीं है, बढ़कर आया। ऐसे में जब फैंस ने टीआरपी देखी और कहा कि ये स्टोरी तो सेम कायरा में दिखाई गई थी, राजन साई का मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेकंड जनरेशन शिवांगी जोशी मौसी खान ऑफ कायरा की जो कहानी थी सेम बिल्कुल आपको अनुपमा में देखने को मिल रही है। ऐसे में काफ़ी फैंस का कहना है ये जोड़ी कायरा जितने पॉइंट तो ले ही नहीं पाएंगी, ये जोड़ी कायरा जितनी टीआरपी तो दे ही नहीं पाएंगी। तो आपको बता दें कायरा के टाइम में 2+ टीआरपी था, वही सेम बिल्कुल जो है अनुपमा में कायरा की स्टोरी दिखाकर इतनी ही टीआरपी लाई जानी। सिमिलरिटी है कि दोनों की स्टोरी सेम है, दोनों के जो चेहरे हैं वो इतने पॉपुलर नहीं है जैसे मोहसिन खान शिवांगी जोशी शुरू में पॉपुलर नहीं थे, ये रिश्ता में आने के बाद वो लोग पॉपुलर हुए। वैसे ही बिल्कुल जो है शिवम खजूरिया हैं और दो एक्टर्स हैं वो इतने पॉपुलर नहीं हैं, मे भी वो जो है आपके धीरे धीरे अनुपमा शो में आई हैं तो पॉपुलर हो ही जाएंगे। ऐसे में फैंस का कहना है कि राजन साई को फ़िलहाल पहले मान को एक करना चाहिए, मे भी वो भी कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी इंट्रोड्यूस पूरी तरह से हर जगह सोशल मीडिया में राजन साई अपनी नई जोड़ी का करा रहे हैं प्रेम एंड आराध्या। मे भी ये जोड़ी जल्दी ही टॉप 10 में एंट्री करेगी, शुरुआती दिनों में शायद आपको कुछ ट्रायंगल लव नज़र आएंगे, उसके बाद कहानी बदल जाएगी। ऐसे में उसी के बीच में कहा जा रहा है अगर स्टार प्लस पे राइटर की कमी पड़ रही है तो उसे डाल देना चाहिए अपनी सोशल मीडिया पे, क्योंकि जो है गुम है किसी के प्यार में कॉपी कर रहा है आपका ये है मोहब्बत है का, और ये रिश्ता कॉपी कर रहा है वो गुम का। तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं स्टार प्लस की स्टोरी सारी वही घूम घूम कर हो रही है, कोई साथ निभाना साथी की कर रहा है तो कोई किसी की। तो ऐसे में कहा जा रहा है स्टार प्लस को, फैंस स्टार प्लस को कह रहे हैं, राजन साई को नहीं कह रहे हैं ना दीपा शाही, वो सिर्फ जो है स्टार प्लस को कह रहे हैं कि स्टार प्लस को कुछ राइटर हायर करने चाहिए ताकि हो सकता है उनके शो की जो टीआरपी इतनी अच्छी नहीं आ रही है वो अच्छी आ जाए। तो ऐसे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।